कपड़ा धोना बाद में भाई देखो मैं तो इस्त्रियां मशीन साफ कराया करूं। या देखो सारी धो दी उरा कोर ये या देखो अंदर से भी देखो आपने नई जिसी दिखन लग रही होगी बिल्कुल लग रहा फूसा इसने एक बार सूती चुन्नी लेके साफ करूंगी। और ये देखो अच्छे तरीके से ये देखो तो अपन मतलब जल्दी मशीन में करके ना आप साफ करांगा नहीं इसने मतलब चल्लू रखांगा तो इस बार सारा कचरा बाहर निकल जाएगा और पानी चल्लू छोड़ दियो इस अंदर तो सारा कचरा बाहर चला जाओगा और सूती कपड़े के सागर पहुंच गए ना और इसने सुखा गए ना मशीन ने खुली छोड़ दियो सुखा गए ना और सूखने के बाद में फिर बंद करो मशीन ने तो मशीन का मतलब बांस भी को नहीं आया मशीन में अपना सिर्फ गिर बी बांस आ जावे कई बार मशीन में और पीड़ा पीड़ भी हो जावे तो आप खुली करके साफ तरीका दोगे ना सूती कपड़ों पूछ गए ना इन्हें रखागा तो ना तो यह पीड़ी होगी और ना ही बांस आओगी। तो एक बार आप ट्राई जरूर करियो और फिर बताइयो आपने किसी को लागी है या देखो भाई मन्नत कर दिया साफ पूरी अरे यह मशीन है कम से कम 2 साल पुरानी आप बता सको इन 2 साल पुरानी है क्या मशीन या देखो इन अभी एक बार इन सूती कपड़े के ला साफ करूंगी तो आपने फिर दिखाऊंगी मैं साफ करते टाइम इसने अरे भाई थोड़ी सी सावधान तरीकों करियो कई बारी मशीन क्यों है इस साइड करंट मार दे वह उरा करो कई मशीन अलग अलग मशीन हो अलग अलग सिस्टम हो भाई सारो तो वो जा उरा का देखो या चेपी गुड़िया ने चेपी उतार दी बेटी ने तो यह देखो सारी हो रही है उरे को तो भाई आप जरूर बताइयो अरे भाई मशीन का ये पाछा ये चेपी हो नहीं ये कभी भी नहीं उतारनी चाहिए कई बार क्या हुआ कस्टमर केयर का हुआ ये अपनी मशीन गारंटी अंदर हो है तो आप फोन करके ना वो कर सका अगर अपनी यह चेपी उतर जावे है अगर आप फोन करा हाँ तो भाई आवे को नहीं कोई क्योंकि यह होनी जरूरी है हमारे गला बनी है एक मतलब मशीन ही हमारी शादी की तो वह मशीन खराब होगी भाई गारंटी अंदर ही वह तो वह कारण अभी ऊपर एक चेपी वह चेपी के काम करो अभी मेरे लिए बहन वह कर दी पाड़ दी तो पाड़ने का कारण वो नहीं बोला जी वारंटी को के पता लगे माम तो भी करा को नहीं तो बे भिंग रुपया लग गया फिर रुपया दे के ठीक कराए नहीं अगर अपनी गारंटी मो वारंटी मो की होया करा भी मन तो ज्ञान को नहीं तो अपनी मशीन वो फ्री में ठीक हो जाए वे खुद कंपनी वाला ठीक करके जावे तो खास करके या पर्ची कदे ना पाड़ियो पूरू चलो आपने साफ करके पहुंच के फिर दिखाऊंगी एक बार लो जी कपड़े कपड़े सुखा दिए और एक बारी आ गई मशीन साफ करने की अपनी तो देखो किस तरह मैं मशीन साफ करा करूं और ये लिया सूती चुंदड़ी ले ली भाई मैंने तो आप भी कोई पुरानी पुरानी पट्टेड़ी चुंदड़ी हो तो वह ले गए ना और साफ कर लियो और ये देखो देखो भाई जमा साफ हो जाएगी अपनी शोरिया देखो यू पूछ गए और कर गए साफ और फिर इसने छोड़ दूंगी थोड़ी देर भाई सर्दी है सर्दी में थोड़ी देर पंखा नीचे छोड़ दिया हाँ क्योंकि ये सारी वो निकल जाए सूख जाओगी ना खच्चर लकड़ी बीच में बात करे गयो और ये देखो भाई अंदर तो इस तरह करके साफ
लो जी यह देखो बिल्कुल कर दी साफ इसके अंदर तक, और ये कर देंगे या यह देखो एक बार ये निकाल के इन साफ कर ले। इन अच्छे तरीके से सुखी चुंदड़ी लेके साफ करियो, पहला दो गेन छोड़ दियो और फिर इन सुखी चुंदड़ी के ला साफ करोगे तो जमा हो जाओगी साफ। या देखो भी जमा साफ हो गई तो इस तक के अपने मशीन में एक तो बांस भी को नहीं आ और सही सूख जाए है और खुली छोड़ना दे एक पीलोपन भी कौन जमे मशीन में। देखो यो भी हो जाए खुल गए पर अभी एक आतू ना कुकर दिखाऊं। ये देखो अंदर तो होगी बिल्कुल साफ। यो भाई खुश खुश पड़ी और ये होगी देखो होगी बिल्कुल साफ। ये देखो ये भी इसने कर देंगे बाहर तक पूछ देंगे भाई ये देखो भाई होगी पूरी पूरी मशीन साफ। और ये देखो अपना अंदर तक भी दिखा दे ये देखो चकाचक। और ये देखो ये भी इसने एक बार करके बंद और वहां रखूंगी ऊपर पंखा वो थोड़ी देर पंखा चलाऊंगी तो इतना क्योंकि साफ हो जाएगी फिर ये सूख जाओगी और ऊपर तो ढक दूंगी भैया चुन्नी क्योंकि चुन्नी भी सूख जाएगी कोई रेत भी कौन पड़ेगी और मशीन भी सूख जाएगी तो चलो आपने दिखाऊंगा उड़े रखे। तो यह देखो ये इस तरह ढक दी मन या मशीन खुली छोड़ दी उड़े को हवा भी लग जाएगी और सारी सूख जाएगी और इन बदबू भी को नहीं आओगी ना पीड़ोपन होगा। तो आप वीडियो ने पूरी देखियो और कमेंट करके जरूर बताइयो आपने किसी लागी वीडियो और चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो अगर चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करा तो। और चलो जी बाय बाय अगली बार कुछ और नया लेके आवांगे तब तक बाय।